हो आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए हम अपने क्लास में आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। और आज हम मैथ के नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिल रही हूँ। तो आज मेरा नया टॉपिक आप लोग के साथ है, राइट द नंबर बिफोर, मतलब इस नंबर के पहले क्या आएगा। तो हम देखिए यहाँ पर कुछ नंबर लिख दिए हैं, स्पेस था तो, और कुछ नंबर इधर भी लिख देते हैं, ठीक है ना। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जिसे बच्चों को सहूलियत हो और हम उनको समझाने का पूरा प्रयास करें। तो आइए यहाँ पर हमारा है 2, इसके पहले बॉक्स बना हुआ है तो उसमें क्या होगा। तो देखिए जो 2 है, अगर 2 कह रहा है तो उसके ऊपर का नंबर देखना है। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज होता है अब पहले और बाद में, क्योंकि पहले आफ्टर वो नहीं समझ पाते हैं, तो हम उसको ऊपर और नीचे से बताएंगे तो वो जल्दी समझेगा। आफ्टर है तो नीचे और बिफोर है तो उसके ऊपर। तो यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बच्चे 2 है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 2 के ऊपर हमारा क्या है, 2 के ऊपर हमारा क्या है। तो यहाँ 2 के ऊपर हमारा क्या है, 1 है। क्या है? 1 है। देखिए तो यहाँ पर 2 के पहले बॉक्स में क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह आप लोग बनाइएगा, हमारे वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा से आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 है। क्या है? 8। अब देखिए 8 कहाँ है, यहाँ। तो 8 के नीचे नहीं देखना है, 8 के ऊपर देखना है। तो 8 के ऊपर क्या है, 7। क्या है? 7। तो यहाँ हम 7 पुट कर दिए। यहाँ 9 है, ठीक है ना, 9 है। तो 9 के ऊपर देखिए, यहाँ 9 है, 9 के ऊपर क्या है, 8 है। यहाँ क्या आएगा, 8। यहाँ देखिए 6 है, 6 के ऊपर जाइए, क्या है, 5। तो यहाँ 5 आएगा। यहाँ 4 है, 4 के ऊपर जाइए, देखिए क्या है, 4 के ऊपर 3 है। यहाँ आते हैं 3 के ऊपर क्या आ रहा है हमारा, 2। अब देखिए नीचे 10 है, 10 पे आइए, 10 के ऊपर जाइए, तो क्या 10 के ऊपर होगा, 9। ऊपर नीचे से बनाइए क्वेश्चन, आपको बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 के ऊपर देखिए क्या है, 4। यहाँ क्या है, 11। 11 का हम इधर देखते हैं, 11। 11 के ऊपर तो देखिए 10 के बाद 11 होता है, तो हम मानते हैं कि यहाँ 11 है, तो 11 के ऊपर क्या है हमारा, 10। क्या है, 10। यहाँ हमारा 14, 1414। यहाँ ये देखिए 1414 के ऊपर क्या है, 13। 16 इसमें कहा है, यहाँ 16 के ऊपर जाइए, क्या है, 15। यहाँ क्या आएगा, 15। यहाँ 20 के ऊपर क्या है, 19। यहाँ 15 आइए, 15 के ऊपर 14। 18 यहाँ 18 के ऊपर क्या होगा, 17। यहाँ 17 है, 17 के ऊपर आइए, 16। इसके बाद क्या होगा, तो आइए हम इधर काउंटिंग में आते हैं। 12 का कहाँ हमारा, यहाँ। तो इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे चलना है, कहाँ चलना है, नीचे। तो इसके नीचे, तो देखिए यहाँ पे ऊपर नहीं चलना है, नीचे चलना है। तो नीचे यहाँ से आते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ 12 है, 12 के नीचे क्या है, देखिए 13 है। क्या है, 13। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 13। यहाँ 2 है, 2 के जस्ट नीचे देखिए क्या है हमारा, 3। 19 है, यहाँ वहां देखिए 19 के नीचे क्या है, 20। 18 है, यहाँ 18 के जस्ट नीचे देखिए क्या है, 19। 4 के नीचे देखिए क्या है हमारा, 5। 6 के नीचे क्या हमारा है, 7। 10 के नीचे क्या है, 11। 12 के नीचे क्या है, 13। 12 दो बार आ गया है, हम अपने मन से लिखे हैं, बुक से नहीं लिखे, इसलिए आ चुका। 14 के जस्ट नीचे क्या है, 15। 16 के जस्ट नीचे, 17। 1 के बाद क्या आता है, 2, ये तो सभी को पता है। 8 के जस्ट नीचे क्या हमारा है, 9। 9 के नीचे क्या है, 10। यहाँ क्या पुट करेंगे, 10। 11 के नीचे क्या है, 12। यहाँ क्या पुट करेंगे, 12। 15 के जस्ट नीचे क्या है, 16। यहाँ 16 पुट। यहाँ 7 है, 7 के जस्ट नीचे क्या आ रहा है, 8। तो ऑप्शन से यही हमें लेके जाना है कि जो अंक यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे क्या आता है, वही हमको पुट करना है। तो हमारे क्लास में इसी तरह बने रहिए और हमारे नए नए टॉपिक से मिलते रहिए। जो बच्चे वन से